हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक पवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप अपना अमेजोन का पेमेंट जो है अमेजोन पे में जो पेमेंट है आपका उसको आप अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजीली। चलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। हम आपको इस वीडियो में वही बताने वाले हैं कि आप अपना अमेजोन पेमेंट जो है उसको अकाउंट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल टेक पवन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि आप अपना अमेजोन पे का जो पेमेंट है उसको आप अकाउंट में ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अमेजोन में दिखा देता हूँ हमारा कितना बैलेंस है। दोस्तों अमेजोन को पहले ओपन करता हूँ, देखिए दोस्तों आपको आना है अमेजोन पे पर क्लिक करना है सिंपली। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पे अमेजोन पे बैलेंस में दिखा रहा है 171 रुपया। 74 रुपये दोस्तों दिखा रहा है, इसी को हमको अकाउंट में ट्रांसफर करना है बहुत ही इजीली तरीके से। तो कैसे करते हैं दोस्तों, वीडियो को सबसे पहले दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। वो एप्लीकेशन का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन को हम स्टेशनरी स्टोर, जिसका नाम है स्टेशनरी स्टोर, आप इसको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। या तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ये ओपन करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया है ऐप का नाम, यहाँ पे खुल रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा अपना मोबाइल नंबर डाल के, अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आना होगा, देख करता हूँ, दिखा रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखता होगा वी ऑल पॉपुलर प्रोडक्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे वी ऑल पर क्लिक करना है, वी ऑल पर पॉपुलर प्रोडक्ट में क्लिक किया हूँ। फिर इसके बाद कुछ दोस्तों इसको बैक कर देता हूँ, फिर इसको बैक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे दिखता होगा भारतीय संविधान, जिसमें 93% कैशबैक दिख रहा है, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है और इसी को परचेस करना है। तो उस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका जो है 120 रुपया का इसमें मार्जिन है, इसमें 110 रुपया इसमें लागत है, तो उसमें 9% ऑफ है। चलिए दोस्तों, पहले इस पर गेट इट नाउ पे क्लिक करना है। उसको आपको जितना आइटम करना है, हमको 1 आइटम ही करना है, एक लेना है, तो उस पर आपको सिंपली प्रोसेस पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एड्रेस पूछेगा, मेरा एड्रेस पहले से डला हुआ है, आप यहाँ पे एड न्यू एड्रेस या तो अपना जो एड्रेस है उसको आप डाल के रखें। उसके बाद नीचे लिखा होगा प्लेस ऑर्डर, इस पर क्लिक करें। ले रहा है, दूसरा इंटरफेस होगा। देखिए यहाँ पे आ गया क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं नेट बैंकिंग एवं गूगल पे एवं भीम UPI। तो आपको इस पर किसी पे नहीं करना है, आपको सिंपली मोबाइल वॉलेट से क्लिक करना है। नीचे जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। अमेजोन पे ऊपर में ही दिया हुआ है, एयरटेल है, फिर रिचार्ज है, फोन पे। आपको सिंपली इस पर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया। सबसे पहले आपको अगर अमेजोन पे से करना है तो इस पर क्लिक करना है, अमेजोन पे पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे खुल रहा है अगला इंटरफेस, क्लिक कीजिए। दोस्तों आपको डायरेक्ट रिडायरेक्ट ले जाएगा अमेजोन पे, जो उसका आईडी और पासवर्ड जो आप बनाए हैं अमेजोन पेमेंट का, अमेजोन इसी का, उस पर यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो रखें उसको आप यहाँ पे डाल करके लॉगिन कीजिए पहले। लॉगिन करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपको राइट मांगेगा, इसको आप कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो अमेजोन पे में जो मोबाइल नंबर दिया हो उस पर एक OTP जाएगा मैसेज, उसको आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। OTP आने के बाद दोस्तों यहाँ पे वेरीफाई कर दिया, कंटिन्यू कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट की पेमेंट मेथड, दोस्तों यहाँ पे आप सिंपली आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है, कुछ नहीं करना है, पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। अमेजोन पे प्रोसेसिंग बैक टू मेथड, देखिए दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा।
थैंक यू शॉपिंग लोग दोस्तों। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको सिंपली ऑर्डर पे आपको बैक कर देना है, तो ऑर्डर डिटेल जो उसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली आपको बैक कर देना है। दोस्तों बैक करके दिखा देता हूँ, तो काट देता हूँ, सब कुछ ले लिया था अभी। आपको यहाँ पे आना माई कैशबैक पे, इसी तरह से हमारा यहाँ 102 रुपया दिख रहा है, 110 रुपये कटा था, उसमें से 808 रुपये जो हमारा है वो चार्ज कट गया, बाकी जो हमारा पैसा है 102 रुपया वो 30 पैसा वो यहाँ पे कैशबैक बैलेंस दिख रहा है। इसको अगर विदड्रॉ करना है तो देखिए वहाँ विदड्रॉ टू बैंक, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है, क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो आपको फिर से दिखा देता हूँ कि हमारा वॉलेट में जो अमेजन वॉलेट में है तो मैंने उसमें कितना बैलेंस बचा हुआ है, देखिए जैसे हमारा यहाँ पे 61 रुपये बचा हुआ है, बाकी जो पैसा मेरा था वो कट चुका है। चलिए जैसे फिर से हम इसमें आते हैं, 102 रुपये जो दिख रहा है, 102 रुपये 30 पैसा इसको मैं ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। विड्रॉ टू बैंक इसे क्लिक करना है सिंपली, तो उसमें दोस्तों यहाँ पे आगे अमाउंट हमको 102 रुपये करना है, तो 102 रुपये करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट 102 फी 1 रुपया परसेंट 0 बराबर 101 रुपया। इसके बाद यहाँ दोस्तों यहाँ 2 दिन में अगर कीजिएगा तो 1 रुपया करने, 3 दिन में 3 दिन में कीजिएगा तो चार्ज नहीं लगेगा, तो हमको 2 दिन में ही करना है। तो यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट ऐड करना है, इसमें आपको जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है पैसा उसमें वो अकाउंट को यहाँ पे ऐड कीजिए, एड बैंक पे आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड ये सब डाल के आपको उसको पहले ऐड करना है। चलिए दोस्तों मैं अपना पहले कर लेता हूँ, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आप आराम से कर सकते हैं इसे, जितना भी बैलेंस आप इससे इस तरह से इससे परचेज करके ट्रांसफर कर सकते हैं, या तो नहीं तो एकाएक कभी भी बंद कर सकता है। ये बहुत सारा लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं, आप जल्द से जल्द आप जितना भी वॉलेट में पैसा है, जितना भी अमेजन पे में पेमेंट है उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर लें। यहाँ पर बैंक नेम डालना पड़ेगा और यहाँ पे अकाउंट टाइप आप सेविंग है या करेंट, इसको आप यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एड बैंक अकाउंट में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने यहाँ पे ले लिया हम, कुछ एरर बता रहे हैं फिर भी मेरा ले लिया है पहले से, इसलिए हो गया मेरा। देखिए यहाँ लिख रहा है जो नाम से हो मेरा अकाउंट हो गया विड्रो, अब इसमें हम डायरेक्ट विड्रो करके दिखता हूँ, विड्रो किया हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा जो पासवर्ड है स्टेशनरी स्टोर का उसका मांग रहा है अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ, तो प्रोसेड पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे प्रोसेड पर क्लिक कर दिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे आ गया इंटरफेस दिख रहा है, योर रिक्वेस्टेड मनी विल बी ट्रांसफर्ड विद 3 वर्किंग डे, 3 दिन के अंदर हमारे जो अकाउंट में है जो 102 रुपये हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए एक मैसेज भी आ जाता है दोस्तों, देखिए मैसेज में आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ, तो योर विड्रो रिक्वेस्ट INR 102 रुपये हैज बीन प्रोसेड इन माई चेक अप टू 3 वर्किंग डे टू क्रेडिट योर अकाउंट की शॉपिंग में दिखा दे रहा है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक फोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।